नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे बेहतरीन स्टॉक से, इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो आज के दिन अच्छी खासी यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली है, 5% के आसपास। ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इस स्टॉक पे वीडियो बना चुका हूँ जब इसकी प्राइस 900 रुपये या 1000 रुपये के आसपास थी। काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। अगर हम बात करें इस स्टॉक को लेकर, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए सम लिस्ट में ये स्टॉक है स्टेज वन के अंदर। अगर आप देखोगे कंपनी की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर के अंदर वो 37 करोड़ का, सितंबर में 38 करोड़ का। तो यह कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे 32 है जो पॉजिटिव कर रहे हैं, 32 पॉइंट है जो कंपनी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव व्यू है कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, हालांकि प्रमोटर के कुछ शेयर यहाँ पर प्लेज शेयर है। 4000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का P/24, बुक वैल्यू 108, डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है। शानदार आरओई आरओसी, फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि स्टॉक आपको स्प्लिट होता हुआ दिख सकता है। कंपनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे रही है, अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट है कंपनी के आ रहे हैं, और अच्छी CAGR के लेवल पे प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, शानदार आरओई है कंपनी का। स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये दिसंबर 2021 का यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, तो वो है 49 करोड़। उससे पहले सेप्टेम्बर में 43, जून में 34, 36, 18, यानी कि प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ रहा है। और अगर आप देखोगे पिछले 4 साल का कंपेरिजन, तो यहाँ पे मार्च में 81 और मार्च 20 में 41, मार्च 19 में 25 और मार्च 17 में 15 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है 5 गुना यहाँ पे बढ़ गया है, 15 से 80-81 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। जो शानदार कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। बात करें रिजर्व का, तो रिजर्व जहाँ 2016 के अंदर कंपनी का 21 करोड़ था, वो अभी 314 करोड़ पहुंच गया है, और बोरिंग भी 21 करोड़ थी जो अभी 130 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो कंपनी ने शानदार रिजर्व मेंटेन किया है। हालांकि कंपनी के ऊपर बोरिंग भी है, लेकिन रिजर्व की तुलना में यहाँ पर बोरिंग कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यह स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी शानदार है। रिजर्व भी कंपनी के पास है, प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी है, हालांकि थोड़ी बहुत कम भी की है पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने। प्लेज शेयर भी है जो कि एक ड्रॉबैक है। आरओई कंपनी के पास शानदार है, आरओसी सही है, फेस वैल्यू है, मतलब स्प्लिट भी स्टॉक हो सकता है। कंपनी कंटिन्यू सेल्स और प्रॉफिट दे रही है, तो इस स्टॉक का आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।